नमस्कार, मैं सुशांत आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे चैनल बनी डॉग्स में। और आज हम आए हैं एक बहुत ही खूबसूरत जगह पे जिसका नाम है लोहगढ़ किला, जो लोनावला से थोड़ी सी दूर पे है और बहुत ही अच्छी जगह है। और हम आप और मैं साथ में आज देखेंगे, मस्ती करेंगे। तो आइए देखते हैं। ओके, जर आपल्याला इथे यायचं असेल, अगर आप सबको यहाँ पे आना होगा ऊपर जाने के लिए, तो आपको एक 25 रुपये का सिंगल पर्सन का टिकट होता है, वो निकालना होगा। और अब हम धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं। आज का दिन बहुत ही खराब रहा, सो लेट्स सी यहाँ आगे का सफ़र कैसा रहता है। अभी हमने सफ़र शुरू भी नहीं किया और पीछे का नज़ारा देखो, बहुत ही खूबसूरत है। मराठी में कहा जाता है कि लोखंडासारखा गढ़ म्हणजे लोहगढ़, इसके लिए ये बहुत ही मजबूत और बहुत ही एक ऐसा किला है जिसपे दुश्मन जो उस टाइम के थे वो सोच भी नहीं सकते थे आक्रमण करने के लिए, इसके लिए इसका नाम लोहगढ़ पड़ा था। लोहगढ़ किला जो सह्याद्री के बीच है। अभी हम लोग इसके सबसे पहले दरवाज़ा पे आए, इसका नाम है गणेश दरवाज़ा। और इस दरवाज़े के बारे में बात करूँ तो बहुत ही मजबूत है, मतलब इसकी खूबसूरती देखने लायक है। जो पत्थर पे नाम लिखा हुआ था, माना जाता है कि वो जो इस किले के किलेदार थे उनका नाम उस पे लिखा हुआ था। गणेश दरवाजा के अंदर आते ही आपने देखा कि यहाँ का जो दरवाजा था वो बहुत ही अच्छा था। एंड उसके बाद यहाँ पे कुछ तोपे रखी हुई थी, उसका पोजीशन ऊपर में था। जब ऊपर से स्लाइडिंग हुआ, जब पत्थर गिरे ऊपर से, तो वो नीचे आ गया और उसको इधर रख दिया गया। सो ये भी देखा जाए तो बहुत अच्छा था। ऊपर में यूज़ किया जाता था जब कोई मुगल्स या कोई बाहर के जब गढ़ के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते थे उस टाइम पे। ये रास्ता है, उससे पहले ही नीचे में छोटा सा होल जैसा है, कुछ देखते क्या है। शत्रुओं पे नजर रखी जाती थी और यहीं पे तोप का इस्तेमाल किया जाता था उनको नीचे गिराने के लिए, उनको मारने के लिए। इन शॉर्ट बात करूँ तो बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये देखिए, ये ऊपर हमें जाना है। नीचे भी एक और चीज़ है, लिखिए क्या है देखते हैं। ओके, उससे पहले ये देख लेते कि क्या है इंसिडेंट से पहले। ओके, ये पहले जमाने के वॉशरूम इस प्रकार से इसको बनाया गया था। ग्रेट थिंकिंग, मतलब उस टाइम के मतलब लोग भी स्वच्छता को ध्यान देते थे और अभी के जो लोग हैं वो खुले में शौच करते। प्लीज ऐसा मत कीजिए, आप इनसे सीखिए कुछ। अभी छोटा सा दरवाजा जो है, देखते इसके नीचे क्या है। ओ ये देखिए, डीप स्लोप सीधे नीचे। ये शायद है यहाँ से, अगर ये इन इमरजेंसी तो दरवाज़ा होता ना, जो चोर दरवाज़ा जो इमरजेंसी में निकलने के लिए काम आता है, ये वैसा कुछ है कि अगर दुश्मन का कभी हमला हुआ तो उसके लिए बचा जा सके। चलिए ऊपर चलते हैं। हाँ, मैं जो इंसिडेंट की बात कर रहा था कि अभी
अभी जैसे मेरे पास मास्क है, अभी अंदर में मैं सिक्योरिटी गार्ड को पूछ के आया तो बोले कि ठीक है आप विदाउट मास्क शूट कर सकते हैं। ठीक है, मैं दिखाता हूँ मेरे पास मास्क है। ठीक है, ये रहा मेरा मास्क। मैं आ रहा था जब, तो मेरा मास्क सिर्फ नोज से थोड़ा सा नीचे था और मुझे 500 रुपये का फाइन लगा दिया गया। आई डोंट नो व्हाई यार, मतलब मैं गाड़ी पे अकेला था फिर भी मुझे 500 रुपये का फाइन लगा दिया जबकि मास्क मैंने पहना था। ओके, अपने गणेश दरवाजा के बाद दूसरा जो दरवाजा है वो नारायण दरवाजा, एंड इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें वो लगा हुआ था बट हाँ दो छोटे छोटे जगह सेम लाइक जैसे उसमें थे, छोटी बहुत चीज़ें कुछ रखने के लिए, सेम अपोजिट साइड में भी। चलो आगे चलते। कोई यहाँ पे एक रूम जैसा है जिसका एक छोटा सा दरवाज़ा या खिड़की आप कुछ भी बोल लो, ये एंट्रेंस है। नहीं, वो दो अलग अलग रूम है, ये एक रूम है एंड वो एक है। दोनों रूम में पानी भरा हुआ है, अच्छा खासा पानी है इसमें। आई फील मेरे कमर तक पानी होगा। एंड इस रूम को देख के लग रहा है जैसे इसमें पहले जैसे कोई अनाज को यू नो स्टोर करने के लिए रखा जाता होगा। मैं इस रिलेटेड पोस्ट भी देखा था और वो दूसरा तो हॉल जैसा लग रहा था, यू नो लाइक छोटा सा जैसे मीटिंग करने के लिए जो जगह होती थी ऐसा कुछ। आप जो है एक जगह पे ज़्यादा देर नहीं रुके, क्योंकि सब जगह सब आए तो अपना वीडियो शूट करना तो करते रहे और ऊपर चलते रहिए, यू नो लाइक ताकि आप सेफ रहे इससे। एक चीज़ तो है कि जो कलाकृति या जो मजबूती हमें पहले की चीज़ों में दिखती है, या फिर आप साउथ के साइड का कोई मंदिर देख लो, महाराष्ट्र का कोई गढ़ देख लो, कुछ भी देख लो, वो अभी कभी नहीं देखते, चाहे कितने भी बड़े इंजीनियर्स हो कितने ही मजबूती से बना ले। ये लाखों साल से जो आ रहे हैं अभी भी ऐसे ही है मजबूत, मतलब मानना पड़ेगा। यहाँ पे पीछे में शायद मस्जिद जैसा है कुछ। एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जब मुगल्स थे तो उन्होंने हमारे हिंदुओं के सारे सारे मंदिर नष्ट कर दिए, मगर जो शिवाजी महाराज थे उन्होंने वो कभी जाति भेद नहीं करते थे, उन्होंने कभी किसी मंदिर या किसी मस्जिद को उन्होंने नहीं उखाड़ा या कभी कुछ किया। उनके उनकी सेना में भी जो सेनापति थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो एक मुस्लिम थे, तो वो जाति भेद नहीं करते थे, इसलिए यहाँ पे भी कुछ तीन तोपे रखी हुई है। त्यानंतर पहला स्टॉपेज म्हणजे आपले महादेवचे मंदिर, आणि पुढे तो तळाव आहे खूप भारी। मी एका व्हिडिओमध्ये पाहिलं होतं, तर त्याला बघूया। हा तो तळाव आहे, हे बघा, त्याला तिथनं जाऊ शकता तुम्ही खाली। हे रहा होगा तलाव, तो कितनी खूबसूरत लगती होगी है, छोटा सा स्विमिंग पूल टाइप जिसमें आप आके यहाँ पे नहा सकते हो, मजा कर सकते हो गर्मी के मौसम में, बहुत ही अच्छा था। और यहाँ पे एक और जगह है जहाँ पे पीने का पानी लिखा हुआ था, आई डोंट नो किधर है, मैं पूछूंगा सिक्योरिटी गार्ड से, जहाँ पे लिखा था कि पीने का पानी है वो, तो बगूया बगा ही थी पानी है। यहाँ का बोर्ड जो खराब हो गया बट इसे पीने का पानी कहा जाता है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ने पूछा, ये भी प्रूफ है उनका। देखो बहुत ही अच्छा पानी है। एक गोष्ट जी नाही समजली ती की तिथला जे दोन पाणी आहेत ते एवढे घाण आहेत आणि हा एवढा स्वच्छ आणि साफ कसा आहे विचार कर। आपले जे एन्सेस्टर्स होते ना खूप धोका होता त्यांना।
बहुत सारी ऐसी जगह है जो तो अब टूट गई है, मगर अभी भी इतने शेष चीज़ें हैं जो हमारे हिंदुस्तान के इतिहास को अच्छे से दर्शा सके और उस टाइम के कला को दिखा सके। अभी ही देखा जैसे पानी का हो गया, एक जगह गंदा था एक जगह साफ था, तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं। और यही है लोहगढ़ किला, अटला सम ऊपर तक ही अभी पूरा। सो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।